आज हम सीखने वाले हैं कि पीवी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। पीवी एग्जामिनेशन क्यों करते हैं हम? पीवी एग्जामिनेशन हम करते हैं कि कोई एबनॉर्मिटी चेक करने के लिए, प्रोग्रेस ऑफ लेवर चेक करने के लिए, डायलेशन चेक करने के लिए सर्विक्स का, इफेसमेंट और मेम्ब्रेन स्टेशन प्रेजेंटेशन। तो एक हमारे पास लेडीज आई है, एक वुमेन आई है जिसका नाम हम रखेंगे सीमा। तो वो पीवी एग्जामिनेशन के लिए आई है। सबसे हम पहले हम उसको क्या करेंगे, जो भी हम करने जा रहे हैं उसको हम पहले बताएंगे कि हम आपका पीवी एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यूरिन पास करके आ जाइए, अपना जो ब्लैडर है वो एम्प्टी करके आ जाइए। जब तक वुमेन जा रही है कि वॉशरूम जा रही है तब तक हम प्रॉपर लाइट अरेंज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर लाइट है कि नहीं है। अपने सारे ट्रे हम रेडी करेंगे। हम ट्रे में क्या है, एक बॉल है जिसमें सारे स्वैब्स हैं, एक किडनी ट्रे है, बीटाडीन स्वैब होंगे और एक हम लुब्रिकेंट के लिए जेल यूज करेंगे, ठीक है, और ये स्पंज होल्डर है। तो हमने सारी रेडी कर लिए है। अब वुमेन आ गई है, वुमेन यूरिन पास करके आ गई है। हम इसको पहले कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, हम देखेंगे कि लाइट प्रॉपर है कि नहीं है रूम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि अपना जेनिटल एरिया खोल के रखे, ओपन करें, उसका प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, कर्टेंस करेंगे और जितने एरिया में पीवी एग्जामिनेशन करना है हम उसी को बस खोलेंगे। अब जैसे ये पेशेंट है हमारी, इसका नाम हमने सीमा दिया है, तो हम सीमा को कहेंगे कि सीमा, हम आपका वजाइना एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आपको हमारे साथ कोऑपरेशन करना होगा। अब हम हैंड वॉश करेंगे और ग्लव्स पहनेंगे। एप्रन पहनना होता है क्योंकि कोई भी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम पूरी स्टराइल प्रोसीजर अपनाते हैं। उसके बाद हम ऑइंटमेंट जो है वो लगाते हैं फिंगर पे ताकि लुब्रिकेशन के लिए। उसके बाद हम बीटाडीन वाले जो गोज होते हैं हमें क्लीनिंग करनी है जेनिटल एरिया की। तो और ये ध्यान रखेंगे कि एक स्टॉक ही करेंगे हम एक जगह के लिए। सबसे पहले क्लिटोरिस टू फोरचेट डिस्कार्ड, उसके बाद अनदर गोज लेंगे लेबिया माइनोरा वन साइड डिस्कार्ड कर देंगे, फिर उसको फिर दूसरा लेंगे लेबिया माइनोरा दूसरी साइड का, उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देंगे, फिर लेबिया मेजोरा राइट साइड, फिर लेबिया मेजोरा लेफ्ट साइड, उसके बाद हम करेंगे मोस प्यूबिस, उसके बाद उसे डिस्कार्ड करेंगे, फिर थाई राइट थाई, फिर लेफ्ट थाई, उसके बाद एनस करेंगे हम रोटेटरी मोशन में। टोटल 9 मोशन होते हैं और एक स्टॉक हम एक बार यूज करेंगे, बार बार उसको नहीं करेंगे और इनर टू आउटर करेंगे। अब पीवी एग्जामिनेशन करने के लिए हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, हमने ऑइंटमेंट लगा दिया है। सबसे पहले हम गन शेप में हम जो हमारा नॉन डोमिनेटिंग हैंड होता है उससे लेबिया माइनोरा को एक्सपोज करेंगे और राइट जो हमारा डोमिनेंट हैंड होता है उससे हम टू फिंगर डालेंगे। उसके बाद 90 डिग्री में हम रोटेट करेंगे और चेक करेंगे सर्विक्स के लिए। अब जैसे ये सर्विक्स है हमारा, अभी 3-4 सेंटीमीटर डायलेशन हो रखा है इसका, तो हम कैसे चेक करेंगे, जब हमारी ऐसे फिंगर जाएगी तो हम चेक करेंगे, ये डायलेशन देखेंगे हम ये कि कितना डायलेशन है। उसके बाद डायलेशन चेक करने के बाद हम इफेसमेंट चेक करेंगे। तो इफेसमेंट चेक करने के लिए हम ये जो रिम ऑफ द सर्विक्स होती है, एक फिंगर इस पे रहेगी मिडल वाली और इंडेक्स फिंगर को हम ऐसे लेके आएंगे और देखेंगे कितना इफेस हुआ है सर्विक्स। इफेसमेंट हो गई, डायलेटेशन चेक हो गई, इसकी लेयर है वो कितनी पतली हो गई है ये चेक करेंगे। अब इफेसमेंट के बाद हम देखेंगे कि जो सूचर्स प्रेजेंट हैं प्रेजेंटिंग पार्ट के वो कैसे हैं। तो ये देखिए ये सूचर है, अब देखेंगे कि हम फोंटेनल कहाँ है। ये
ये हमारा पोस्टीरियर फोन्टेनल है, पोस्टीरियर। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं वो वेजाइना के अंदर हो रही है, बाहर सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब जैसे पोस्टीरियर फोन्टेनल यहाँ पर आ रहा है, और जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हमें सबसे पहले हमें ये पोस्टीरियर फोन्टेनल दिख रहा है, तो इसका मतलब पोस्टीरियर हमें सबसे पहले दिख रहा है तो मतलब ये एंटीरियर साइड है, तो ये पोजिशन होगी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। हमारा बेबी का हेड है और ये पोस्टीरियर फोन्टेनल होता है, ये एंटीरियर फोन्टेनल होता है। तो अगर हमें पोस्टीरियर फोन्टेनल आगे की साइड दिख रहा है, सबसे पहले प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा जो ऑक्सीपिटल होता है वो होता है, तो इसलिए अगर हमें ये दिख रहा है तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजिशन है। अब इतना पता चलने के बाद अब स्टेशन चेक करेंगे। तो स्टेशन में हम फिर से वही टू फिंगर, और अगर हमें मतलब सपोर्ट चाहिए तो हम प्यूबिक पे ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं थंब का, और ईस्टल स्पाइन देखेंगे कहाँ पर है। अब ईस्टल स्पाइन पता करने के बाद हम देखेंगे कि जो बेबी का हेड है वो ईस्टल स्पाइन पर है या फिर ईस्टल स्पाइन से नीचे है या फिर ईस्टल स्पाइन से ऊपर है। अगर बेबी का हेड ईस्टल स्पाइन पे होता है तो मतलब जीरो स्टेशन है, और अगर ईस्टल स्पाइन से नीचे है तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। प्रोसीजर खत्म हो गया। तो अब हमें सारे जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज किया है उसको वापस करने है। पहले तो कट शीट हटानी है, इसको हम CSSD डिपार्टमेंट में भेजेंगे स्टराइल होने के लिए। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, और जो हमने गोज पीस यूज किए थे वो येलो बिन में डिस्कार्ड करेंगे, और किडनी ट्रे भी हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डाल देंगे। ग्लव्स वाले हैंड्स होते हैं उसे भी हम 10 मिनट्स तक 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करेंगे, और उसके बाद इनर वाली साइड से रिमूव करेंगे और ये रेड बिन में डिस्कार्ड कर देंगे। थैंक यू।